मैं अयोध्या हूँ। अतीत के पन्नों पर दर्ज वो नाम जिसे युद्ध में कोई नहीं जीत सकता। मैं काल के कपाल पर लिखित वो शिलालेख हूँ जो युग परिवर्तन के बाद भी सजीव है। मैं वही अयोध्या हूँ जिसे आज भी पावन सरयुग नदी पाव पखारती है। भगवान राम की कुंडली में दर्ज मैं वो गुफा हूँ जिसे खुद विष्णु के अवतार ने धरती पर आने के लिए चुना। मेरे ही पीठ पर भगवान राम चले, मेरे ही सिराहने पर सर रख कर सोए। ठुमक ठुमक कर चलते कब राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए पता ही नहीं चला। मैं वही अयोध्या हूँ जिसके द्वार पर भगवान हनुमान राजा की तरह बैठे हैं और दरबार में सेवक के तौर पर। मैं वही अयोध्या हूँ जिसे खुली आंखों से देखें या बंद पलकों से, भगवान राम आपको मेरे कण कण में दिखेंगे। गंगा पड़ी गोदावरी तीरथ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लियो अवतार। राम की अवतार वाली मेरी कहानी युग पुरानी है, खुद मनु ने मेरा निर्माण किया। रघुवंशी राजाओं की मैं राजधानी थी। महाभारत के समय में भी अयोध्या में दीर्घयर्क नामक राजा ने मुझ पर राज किया जिसे बाद में भीमसेन ने जीता। गौतम बुद्ध के समय कौशल के दो भाग हो गए थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। अब बीच में बहती थी सरयू नदी। मैं इतनी सुंदर नगरी थी जिसका प्रमाण आज भी मिल जाएगा। फायान ने भी साचेन में मेरा जिक्र किया। सुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र का एक शिलालेख अभी तक मैंने संभाल कर रखा जिसमें उसे सेनापति कहा गया और उसके द्वारा दो अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का वर्णन है। चंद्रगुप्त द्वितीय से लेकर मध्यकाल में काफी समय तक मैं गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने भी अयोध्या के रघुवंश का कई बार उल्लेख किया। मैं अयोध्या भारत की सात मोक्षदायिका पुरियों में से एक थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मिल गई। युग बदल गया था तो मेरे परिणति भी बदलने वाली थी। देश पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला कर दिया। इन मुस्लिम आक्रांताओं ने ऐसे घाव दिए जिसकी टीस हर वक्त आती रहेगी। मुझे रौंदा जा रहा था। जहां भगवान राम ने जन्म लिया उस पावन धरा पर बाबर के सेनापति मीर बाकी मस्जिद बनवा रहा था। 500 साल पहले मुझे राम से दूर करने की कोशिश की जा रही थी और मुस्लिम शासक मेरा नाम तक बदल रहे। मेरी धरती पर कभी भगवान राम ने राज किया, आज उसकी नियति बंगाल के शासकों के हाथ में थी। मैं अब अयोध्या नहीं रह गई थी। मुस्लिम शासक शहादत खान ने मेरा नया नामकरण कर दिया फैजाबाद। लेकिन हिंदुओं के दिलों में मैं थी तो अयोध्या ही। शुजाउद्दौला का शासन फैजाबाद के लिए स्वर्णकाल कहा जाता है। उस दौरान फैजाबाद ने जो समृद्धि हासिल की वैसी दोबारा नहीं कर सका। उस दौर में यहां कई इमारतों का निर्माण हुआ जिनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। 1775 में नवाब असफ दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से बदलकर लखनऊ कर ली। इसके बाद ये अपनी रंगत खोने लगा और मुझे इंतजार रह गया फिर से अपने नाम का। ये इंतजार इतना लंबा हो गया कि सदियां बीत गई, लेकिन फिर एक आंदोलन ने मुझे मेरा नाम लौटा दिया। राम मंदिर आंदोलन आज का नहीं, जिस राम लल्ला की वजह से मैं अयोध्या हूं उसी राम लल्ला की जमीन को बचाने के लिए 1528 से लेकर 1949 तक हिंदुओं ने 77 से अधिक युद्ध किया जिसमें 4 लाख से अधिक राम भक्तों ने बलिदान दिया।
इतना ही नहीं, जब बाबर का सेनापति मीर बाकी मेरी पहचान मिटाने की कोशिश कर रहा था, तब भी एक या दो दिन में मैं नहीं मिटी, मुझे मिटाने में महीनों लग गए। इतिहासकार कलिंगम ने लखनऊ का जितियर के 66वें अंक में लिखा है, 174,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीर बाकी इस मंदिर को ध्वस्त करने के अभियान में सफल हो पाया। साल दर साल मंदिर के लिए मुगलों की सेना से युद्ध चलता रहा, लेकिन राम मंदिर का वजूद हर बार मिटता रहा। अकबर से लेकर शाहजहां के शासनकाल में बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की तट से राम की जन्मभूमि के चबूतरे पर 3 फीट का छोटा सा मंदिर बनवा दिया गया, जिसमें खून खराबा थोड़े समय के लिए रुक गया। इसके बाद औरंगजेब के भयंकर दमन चक्र नीति को मेरी धरती पर राम लल्ला कहां मंजूर। 10 बार मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की गई, मूर्तियों को तोड़ा गया। हिंदू लगातार राम जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए मुगलों से लड़ रहे थे, लेकिन विशाल सेना के आगे साधुओं की सेना टिक नहीं पा रही थी। कलिंगम ने फैजाबाद काटी जियर में फिर लिखा, नवाब बाजिद अली शाह के समय में हिंदुओं ने जन्मभूमि के उद्धार की कोशिश की, फिर भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिनों तक दिन रात युद्ध के बाद हिंदुओं ने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। ये अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने फिर मंदिर बनवाया, राम लल्ला को ब्रिजवान किया, लेकिन मुगलों ने फिर इस पर अधिकार कर लिया और मुझे मेरे श्रीराम से दूर कर। साल आया 1853, जब हिंदुओं ने ये आरोप लगाया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर फिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी अमीर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास। इस मुद्दे पर फिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को यह बात स्वीकार नहीं, और 18 मार्च 1858 में कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ पर दोनों को एक साथ फांसी पर लटका। साल 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थलों पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी, लेकिन मुसलमान ने यहां नमाज नहीं पढ़ी। मैं अयोध्या अभी भी मंदिर के लिए लड़ रही थी, अपने राम लल्ला के लिए संघर्ष कर रही थी। 19 जनवरी 1885 को मेरे राम की अपनी जगह दिलाने के लिए महंत रघुवीर दास की मदद से फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने राम लल्ला की जमीन का मामला रखा गया। इस मामले में कहा गया मस्जिद की जगह मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का है। इसके बाद बस मैं इंतजार कर रही थी, देश आजादी देख रहा था और मुझे इंतजार था राम लल्ला के आजाद होने का। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन मेरे राम लल्ला आज भी कैद थे। साल 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने का आदेश दिया और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया, जबकि हिंदुओं को राम लल्ला के दर्शन के लिए एक जगह से प्रवेश मिलता रहा। साल 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में मिली। कहते हैं कि हिंदुओं ने यह मूर्तियां रखवाई थी, मुसलमानों ने विरोध किया, अदालत में मुकदमा दायर हो गया, सरकार ने विवादित स्थल मानकर फिर ताला लगा। मैं अयोध्या अभी भी अपने राम का इंतजार कर रही थी कि राम ताले से मुक्त हो सके। 1948 में राम लल्ला को मुक्त कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक समिति का गठन किया,
जिसकी अगुवाई बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने की। 1946 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे से ताला खोल दिया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन तेज किया और इसी साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वार खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को मैंने वह शाम भी देखा जब मेरी धरती की लाशों से पाट दिया गया। हजारों राम भक्तों ने विवादित ढांचे पर भगवा फहरा दिया। 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया और सैकड़ों राम भक्तों को गोलियों से भून दिया गया। हालांकि अप्रैल 1991 में मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। मुझ अयोध्या को अभी बहुत कुछ देखना था मुझे उस परिणति की जिसके वजह से तारीख अमर हो गई। सब कुछ मैं अयोध्या सहन कर रही थी क्योंकि मुझे विश्वास था एक न एक दिन मेरे राम को इंसाफ जरूर मिलेगा। 6 दिसंबर 1992 को राम भक्त फिर जुटे और विवादित ढांचा गिरा दिया। कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा और उसी जगह रामशिला की स्थापना कर 1527-28 में मंदिर तोड़ा गया और 1992 में मस्जिद जमींदोज हो गई। इसके बाद की कहानी कोर्ट की जटिल प्रक्रिया थी जिसे तारीख पर तारीख मिल रही थी, फिर भी मैंने विश्वास नहीं खोया। खुदाई सर्वे, रडार सर्वे राम के होने का सबूत मुझसे मांग रहे थे और मैं बार बार यही कह रही थी, शरीफ किनारे जहां देखो वहीं राम ही तो है। 2010 में इलाहाबाद ने फैसला सुनाया। 30 दिसंबर 2010 को सुनाए गए इस फैसले में लिया गया कि विवादित 2.77 एकड़ का बंटवारा कर दिया गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला बिराजमान के बीच जमीन बराबर बांटने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिन तक सुनवाई हुई और फिर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राम राज्य ला दिया। फैसला साफ साफ था कि अयोध्या भगवान श्री राम का है, लेकिन मुझ अयोध्या को अभी भी मेरा नाम नहीं मिला। मैं तो अभी भी फैजाबाद हूं। राम तो आए लेकिन मेरा नाम नहीं। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और एक साल बाद मुझे मेरा नाम वापस कर लिया। मुझे मेरा नाम मिल गया और श्री राम भी मिल गया। मैं घाटों घंटों मंत्रों की नगरी अब सज रही हूँ अपने राम के लिए। मैं श्री राम की अयोध्या हूँ तो फिर कैसे मिट जाती। हाँ, वक्त के साथ उतार चढ़ाव जरूर देखते, लेकिन वर्तमान मेरे नाम के साथ जो विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, वो क्यों एक अधूरे मंदिर में मेरे श्री राम को बिराजमान कर रहे हैं। मैं अयोध्या, ये सवाल आप पे छोड़ते। जय श्री।